हमारी संस्कृति की उदात्त भावना में अतिथि सदा से ही पूजनीय माना गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देव तुल्य माना गया है। नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ का अर्थ भी यही है, अतिथि सत्कार। उसे भोजन कराने के बाद ही गृहस्थ को स्वयं भोजन करना चाहिए, इसीलिए नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहा गया है। आश्रम व्यवस्था में भी विधान है कि गृहस्थ पर ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी मनुष्यों का दायित्व होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी एवं सन्यासी तो भिक्षा में प्राप्त अन्न जल से ही अपनी उदर पूर्ति करते हैं। अतः द्वार पर आए भिक्षुक को अतिथि स्वरूप मानकर उनकी सेवा ही एक गृहस्थ का धर्म है। महाभारत के शांति पर्व में अतिथि का महत्व बताते हुए कहा गया है, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते सदत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। अर्थात जिस गृहस्थ के घर से अतिथि भूखा प्यासा निराश होकर वापस लौट जाता है, उस गृहस्थी की कुटुंब संस्था नष्ट हो जाती है, क्योंकि अतिथि की निराशा से गृहस्थ का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। नृयज्ञ के रूप में ये मानव का मानव के प्रति हार्दिक सम्मान भाव है। इसमें विनयशीलता, दान परायणता, परोपकार वृत्ति और कृतज्ञता जैसे पावन मूल्य प्रतिष्ठा और यश प्रदान करते हैं।